इंदौर शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान द्वारा बताया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन हर वर्ष कांग्रेस द्वारा मनाया जाता है, लेकिन कोरोना संकट के समय में राहुल गांधी का जन्मदिन गाइडलाइन के पालन के साथ सरवटे बस स्टैंड स्थित होटल में गरीब बच्चों को भोजन कराकर मनाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल भी मौजूद रहे। वहीं रमीज खान द्वारा इंदौर शहर में स्कूलों को चिन्हित कर स्कूल संचालकों को 51,000 के चेक भेंट किए गए। यूथ कांग्रेस के द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक के जरूरतमंद बच्चों के लिए एक साल की स्कूल फीस और स्टेशनरी का खर्च देने का संकल्प लिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी एक ऐसे स्वभाव के धनी हैं कि वहाँ वो गरीब वर्ग को बहुत प्रेम करते हैं। समानता का भाव आम करने के लिए उस व्यक्ति का जन्मदिन उन्हीं लोगों के बीच में जाके मनाया गया जिनसे वो प्रेम करते हैं। हमारे शहर के स्ट्रीट साइड बेगर्स, ऐसा वर्ग जो वंचित है ऐसी VIP ट्रीटमेंट और फैसिलिटी से, उनको एक दिन ऐसा भाव का एहसास कराना कि वो इस वर्ग के बराबर समाज में समानता का भाव रखते हैं, इसके चलते आज उनको एक इंदौर के होटल में लेकर आए हैं। उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों से यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें उनका गेट में स्वागत प्रतीक स्वरूप जो यहाँ पर राहुल गांधी जी हैं और सोनिया गांधी जी, उनने करा, यहाँ पर लेकर आए, उनको आदर सम्मान के साथ बिठाया, उनकी परोसगारी करी और कुछ बच्चों को तो अपने हाथों से भोजन कराया। यही हमारे नेता का स्वभाव है और इसी समानता के भाव को आम करने के लिए यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर कोशिश करी। साथ ही साथ महंगाई की मार झेल रहे इस देश के सभी नागरिकों को आज ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है कि बहुत सारे बच्चे पैसों के अभाव की वजह से अपनी शिक्षा को त्याग चुके हैं। ऐसे बच्चों को चिन्हित कर 21 बच्चों को एक स्कूल में चिन्हित कर हमारे यूथ कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के अध्यक्ष ने उनकी एक साल की फीस की जवाबदारी ली है, साथ ही साथ उनकी स्टेशनरी की, जिसके चलते स्कूल संचालक को यहाँ पर 51,000 रुपये का चेक भेंट किया गया। शिक्षा के महत्व को समझते हुए मैं खुद यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ इंदौर शहर का, और मैंने भी एक स्कूल के 21 ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन पैसों के अभाव की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे थे, ऐसे बच्चों की फीस का बीड़ा अपने कंधे पर उठाया और 51,000 रुपये का चेक आज उस स्कूल संचालक को हमारे द्वारा दिया जाए। यूथ कांग्रेस ने शहर भर में विभिन्न कार्य करे हैं, जैसे कि रक्तदान, खाद्य सामग्री का वितरण, पौधारोपण, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम यूथ कांग्रेस के द्वारा किए गए। इसी क्रम में हमने भी आज यहाँ पे समानता के भाव को आम करने के लिए की यहाँ पे छोटी सी कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।